हाय गाइस, व्हाट्स अप, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे द गेस्ट सीरीज के एपिसोड 5 और 6 की कहानी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस सीरीज। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिन के भाई ने अपनी आंख फोड़ ली थी, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू ने हेवन प्योंग को अर्जेंटली मिलने बुलाया था, और तभी वहां कंग भी आती है, जो हेवन प्योंग को बताती है कि मिन को इस केस में इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल है इसलिए उसकी सजा कम हो जाएगी। कंग पिछले कुछ दिनों से जो देख रही थी उसे उस पे बिलीव ही नहीं हो रहा था। उसे नहीं पता कि पार्किल दो इविल है या मिन की माँ, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। यहाँ कंग हेवन प्योंग से पूछती है कि शैतान के रूप में इतने सारे इंसान हैं, फिर भी वो पार्किल दो के पीछे क्यों पड़ा है, जिसपे हेवन प्योंग कहता है कि किसी को तो उसे रोकना होगा। कंग हेवन प्योंग से कहती है कि अगर वो ऐसे ही करता रहा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, जिसपे हेवन प्योंग कहता है तुम मेरी मदद करने आ जाना। अब कंग वहाँ से जा रही होती है जब उसे मैथ्यू मिलता है, और मैथ्यू कंग को थैंक यू कहता है। तब कंग मैथ्यू से पूछती है कि क्या वो पहले मिल चुके हैं, जिसपे मैथ्यू कहता है कि वो युकवंग के घर पे मिले थे, लेकिन कंग को लगता है कि वो उससे पहले भी कहीं मिल चुके हैं। इसके बाद हम मैथ्यू और हेवन प्योंग को देखते हैं। हेवन प्योंग मैथ्यू को बताता है कि पार्किल दो ने जिस आखिरी आदमी को पजेस किया था वो मैथ्यू का भाई फादर चोई थे, और वो एक बार फादर चोई से मिला था, लेकिन वो मैथ्यू को इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन मैथ्यू उस पे विश्वास नहीं करता। जिस पे हेवन प्योंग मैथ्यू से कहता है कि तुम जानते थे कि तुम्हारे भाई को एक इविल स्पिरिट ने पोजेस किया था, और इसीलिए तुम प्रीस्ट बने ताकि तुम उसे बचा सको। जिस पे मैथ्यू कहता है कि उसका भाई पार्किल दो नहीं है, और अब हेवन प्योंग उसे बताता है कि अब पार्किल दो तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि योंगसो ने कहा था कि फादर चोई अब अपने भाई के पास जाएगा और तुम अब खतरे में हो। मैथ्यू वहाँ से ये कह के चला जाता है कि हेवन प्योंग उससे मिलने कभी मत आए। हम देखते हैं कि हेवन प्योंग मैथ्यू के घर के नीचे खड़ा रह के उस पे नजर रख रहा था, ताकि मैथ्यू किसी खतरे में ना पड़ जाए। दूसरे दिन हम जंगल का एक सीन देखते हैं, जहाँ एक आदमी को एक कंकाल मिलता है। दूसरे दिन जब मैथ्यू काम पे जा रहा होता है तो उसे फादर यांग का कॉल आता है, जो उसे कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुन के मैथ्यू सन्न रह जाता है। दरअसल जंगल में जो कंकाल उस आदमी को मिला था वो मैथ्यू के भाई फादर चोई का था। ये खबर सुनने के बाद हेवन प्योंग जंगल में पता लगाने के लिए जाता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। इधर मैथ्यू मॉर्चरी में अपने भाई के कंकाल को देखता है और पूछता है कि क्या वो सुसाइड था। यहाँ पता चलता है कि फादर चोई के गर्दन की हड्डी टूट गई है, और इसके अलावा उन्हें चोट का कोई भी निशान नहीं मिला, जिससे ये पता लगता है कि फादर चोई ने खुद ही फांसी लगा ली थी, और पोजेस्ड होने वाले लोगों का अंत इसी तरह हो रहा है। लेकिन ये बात बहुत अजीब थी कि फादर चोई ने फांसी लगाई थी लेकिन उनकी बॉडी दफन मिली। अब हेवन प्योंग उस आदमी से पूछता है जिसे जंगल में फादर चोई की लाश मिली थी। वो आदमी बताता है कि पिछले कुछ दिनों से वहाँ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मिट्टी हट गई और बॉडी ऊपर आ गई, और इससे ज्यादा वो उसे कुछ नहीं बताएगा। इधर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ कंग का हेड उसे बताता है कि वो लोग उसे सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अब किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, क्योंकि कंग ने जिन केसों को इन्वेस्टिगेट किया था उसके पिछले सस्पेक्ट मर गए थे। लेकिन कंग पीछे हटना नहीं चाहती थी और वो वहाँ से चली जाती है। मैथ्यू और फादर यांग पुलिस स्टेशन में चोई के केस के बारे में जानने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें एक लेडी मिलती है, और इस लेडी का नाम है पार्क होंगजो, जो कि एक पॉलिटिशियन है और फादर यांग के साथ उनकी ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग हैंड के एडवाइजर है। हम देखते हैं कि वो भी चोई के केस के बारे में ऑफिसर ली से पूछती है, क्योंकि वो उसका होम टाउन था और इससे उसकी पॉलिटिकल इमेज खराब हो सकती है। वो ऑफिसर ली से कहती है कि वो इस केस को बंद कर दे, लेकिन ये केस काफी सालों से सबकी नजर में था और प्रेस वाले भी इसे कवर कर रहे थे। ये बात सुनते ही होंग जो अपना आपा खो देती है। यहाँ हमें पता लगता है कि होंग जो एक सन की औरत है। इधर हेवन प्योंग यकवांग से फादर चोई के बारे में बात करता है। वो कहता है कि उसे इतने सालों तक लगता रहा कि फादर चोई ही पार्किल दो हैं, लेकिन अब वो मर गए हैं। हेवन प्योंग को लगता है कि फादर चोई के मरने से पहले पार्किल दो ने अपने आप को किसी और में ट्रांसफर कर लिया होगा, और अब हेवन प्योंग को उस इंसान को ढूंढना है जिससे आखिरी बार फादर चोई ने बात की थी। और हम देखते हैं कि अब इसी केस के बारे में लोग हर तरफ बातें कर रहे थे कि चोई के पेरेंट्स उसे अब्यूज करते थे, और वो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, और ये सारी बात मैथ्यू वहीं बैठ के सुन रहा होता है। और अब मैथ्यू फादर यांग से पूछता है कि भगवान पे सबसे ज्यादा विश्वास रखने वाला प्रीस्ट उसका भाई क्यों पोजेस हुआ था, और उसने अपनी फैमिली को क्यों मार डाला। तब यांग बताते हैं कि चोई कभी भी प्रीस्ट बनना नहीं चाहता था और वो इस बात से खुश नहीं था, और शैतान ऐसी ही भावनाओं का फायदा उठाते हैं। लेकिन एक बात वो पक्के तौर पे जानते हैं कि फादर चोई अपनी फैमिली से प्यार करता था, खासकर अपने छोटे भाई मैथ्यू से। फादर यांग मैथ्यू से माफी मांगते हैं कि वो उस दिन फादर चोई को हेवन प्योंग के घर ले गए थे। मैथ्यू जानना चाहता है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, और फादर यांग उसे यहाँ सारी बात बताते हैं कि एक छोटा बच्चा जो शमन फैमिली से था वो पोजेस हो गया था।
उस स्पिरिट से जो उसी गांव में थी, और वो स्पिरिट थी पार्किल्डो। और अब पार्किल्डो मैथ्यू को ढूंढ रहा है, क्योंकि फादर यांग ने सुना है कि फादर चोई अपने भाई को ढूंढता हुआ आएगा। और यहाँ मैथ्यू को पता चलता है कि वो छोटा बच्चा हेवन प्योंग ही है। इसके बाद हम मैथ्यू को उसी जंगल में देखते हैं जहाँ उसके भाई की डेड बॉडी मिली थी, और वहीं पे हेवन प्योंग भी आता है और उसे देख के मैथ्यू को गुस्सा आता है। मैथ्यू से कहता है कि तुम्हें सब पता था, लेकिन तुमने पार्किल्डो को खोजने के लिए मुझे मेरे भाई के बारे में बताया। वो कहता है कि उसी की वजह से मैथ्यू का भाई पोजेस हुआ। तभी वहाँ कंग आती है और उन दोनों को चोई के घर ले जाती है। और अब कंग मैथ्यू से पूछती है कि आज से 20 साल पहले एक डिटेक्टिव जो यहाँ से गुजरी थी, उसने एक छोटे बच्चे को बचाया, लेकिन वो खुद मर गई। उस फैमिली और उस लेडी को मारने वाला तुम्हारा भाई था। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है कि वो पुलिस लेडी कंग की माँ थी जो मैथ्यू को बचाते हुए मर गई थी। तब से कंग चोई को ढूंढ रही है और वो इसीलिए डिटेक्टिव बनी। यहीं पे आज से 20 साल पहले ये तीनों मिले थे, तभी एक दूसरे को नहीं जानते थे, और इसीलिए कंग ने मैथ्यू से पूछा था कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। दोस्तों, इन तीनों को ही किसी न किसी बात का दुख सालों से था। कंग को इस बात का कि उसकी माँ मर गई और वो चोई को पकड़ नहीं पाई। हेवन प्योंग को इस बात का दुख था कि फादर चोई उसे बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे थे। और मैथ्यू को इस बात का दुख था कि हर कोई उसके भाई को गलत समझता है और हेवन प्योंग की वजह से वो पुजस हुए थे। यहाँ हेवन प्योंग कहता है कि फादर चोई कंग की माँ की मौत के जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि पार्किल्डो है जिसने हेवन प्योंग के जरिए फादर चोई को पोजेस किया। और यहाँ पे कंग को पता लगता है कि वो बच्चा हेवन प्योंग था जिसकी वजह से उसकी माँ उस घर में गई थी। ये सुन के वो उसे मारने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। कंग को इस बात का गिल्ट था कि उस दिन उसकी माँ उससे माफी मांगती रही, लेकिन कंग उनसे एक शब्द नहीं बोली। अगर वो उस दिन स्कूल से सीधा घर चली जाती तो ना तो उसकी मॉम उसे लेने आती, और ना ही वो उस घर में जाती, और ना ही उनकी मौत होती। ये तीनों ही एक दूसरे की आइडेंटिटी जान चुके थे। इसके बाद हेवन प्योंग मैथ्यू से मिलने जाता है, जहां मैथ्यू कहता है कि वो जानता था कि उसका भाई पोजेस्ड है, फिर भी वो उससे नफरत करता रहा क्योंकि वो अपने भाई से बहुत डरता था, लेकिन वो अपने भाई के लिए ही प्रीस्ट बना। अब वो हेवन प्योंग से पूछता है कि अगर पार्किल्डो को पकड़ना है तो क्या करना होगा, जिस पे हेवन प्योंग उससे कहता है कि अगर एक बार मैथ्यू ने ये शुरू कर लिया तो वो पीछे नहीं हट पाएगा। जिस पे मैथ्यू कहता है कि वो पीछे हटना नहीं चाहता। इसके बाद सीन टर्न होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो बिल्डिंग की छत से कूदने वाली थी। तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा गया था कि सबको मार दो। इसके बाद हम कंग और पार्क को देखते हैं जो एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक लड़के को मार दिया गया था और उस लड़के का नाम था जोंग। अब ये लोग जोंग की गर्लफ्रेंड को बुलवाते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड और कोई नहीं वही लड़की थी जिसको हमने बिल्डिंग की छत पे खड़ा देखा था, यानी कि यून। अब कंग और पार्क उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन यून को कुछ भी नहीं पता था। अब इसी लड़की का केस मैथ्यू के पास जाता है, यानी अब अगली ये लड़की है जो पोजेस्ड है। यून मैथ्यू से मिलती है और अपने साथ हुए सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसे टेक्स्ट मैसेज आते हैं जिसमें लिखा होता है कि उन्हें मार दो। जब मैथ्यू उससे वो टेक्स्ट दिखाने को कहता है तो वो सारे टेक्स्ट गायब हो चुके थे। अब ये बात मैथ्यू हेवन प्योंग को बताता है कि हाल ही में वो एक लड़की से मिला जो पोजेस्ड है, क्योंकि जब उसने उस लड़की से उस इंसान का नाम पूछा जो उसे टेक्स्ट मैसेज भेज रहा था, तो उस लड़की ने पार्किल्डो का नाम लिया था। लेकिन हेवन प्योंग को अभी तक ऐसा कोई भी विजन नहीं आया था। उधर कंग को फोन रिकॉर्ड से पता लगता है कि जोंग ने मरने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड यून से कई बार बात करी थी। और इधर हम देखते हैं कि यून से पार्किल्डो बदला लेने के लिए कह रहा था, लेकिन आखिर किससे। और अब ये लड़की पोजेस्ड हो जाती है। वो अपने घर की बिल्डिंग से नीचे आती है और उसे जाता हुआ हेवन प्योंग और मैथ्यू देख लेते हैं। वो दोनों यून को रोकने की कोशिश करते हैं। तब हेवन प्योंग को उसके बैग में हेल्पिंग हैंड की मैगजीन मिलती है। ये वही मैगजीन है जो मिन के पास भी थी। अब यून अपना पीछा छुड़वाने के लिए मैथ्यू और हेवन प्योंग पे उसे मारने का इल्जाम लगाती है और वहाँ खड़े लोग पुलिस को बुलवा लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि यून ने अपनी हाथ की नसें काट ली थी। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और अब ये केस कंग के पास आया था। यहाँ पे हेवन प्योंग कंग को बताता है कि यून में गेस्ट आ चुका है और अब वो बहुत डेंजरस हो गई है, लेकिन सच जाने के बाद कंग उसकी कोई मदद नहीं करने वाली थी। पुलिस मैथ्यू और हेवन प्योंग को ले जाती है। हॉस्पिटल में कंग यून से कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला, कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड से मरने से पहले कोई भी बात नहीं की थी। लेकिन यून कहती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को नहीं मारा। नर्स बाहर आके कंग को बताती है कि यून ने उसे एक मैसेज दिया है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके अपार्टमेंट की पार्किंग में उसका इंतजार कर रहा है। ये सुनने के बाद कंग और पार्क इसका पता लगाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ये यून को पोजेस करने वाली स्पिरिट की एक चाल थी और कंग ये बात समझ गई थी। इसीलिए वो पार्क से कहती है कि वो जाके उसके बॉयफ्रेंड को चेक करे और खुद वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। लेकिन अब यून गायब हो चुकी थी। उधर पुलिस स्टेशन में हेवन प्योंग विजन में यून को देखता है
जो एक ऑफिस में खड़ी थी और वहाँ काम करने वाले एक आदमी को घायल कर देती है। ये विजन देखते वक्त वो मैथ्यू का गला दबाने लगता है, लेकिन तभी कंग आके उसे रोक लेती है। हेवन प्योंग अपना विजन कंग को बताता है कि यून अब उस ऑफिस के सारे लोगों को मार देगी जब कल सुबह वो लोग काम पे आएंगे। हेवन प्योंग यहाँ ये भी बताता है कि उस ऑफिस में एक बड़ा शीशा है और जिस आदमी को यून ने घायल किया है उसकी डेस्क पे एक टैंक का टॉय रखा है। तभी कंग को याद आता है कि ये यून के बॉयफ्रेंड जोंग का ऑफिस है जहाँ पे वो पूछताछ करने गई थी, और कंग वहाँ के लिए निकल जाती है। इधर पार्क होसन को पार्किंग में यून के बॉयफ्रेंड की लाश मिलती है जो काफी दिन से उस कार में बंद थी। दूसरी तरफ मैथ्यू और हेवन प्योंग यून के घर जाते हैं ताकि पता लगा सके कि आखिर यून क्यों पोजेस हुई। तभी उन्हें वहाँ यून की दोस्त मिलती है जो यून को ढूंढते हुए वहाँ आई थी, और अब ये लोग उसकी दोस्त से सच पूछते हैं। और यहाँ पता लगता है कि यून अपने बॉयफ्रेंड को लेके परेशान थी। और कुछ टाइम बाद यून और उसका बॉयफ्रेंड शादी करने वाले थे। इधर कंग और पार्क उस ऑफिस में यून को ढूंढने के लिए आए थे। दोनों अलग अलग दिशा में उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यून पार्क को घायल कर देती है और ये विजन हेवन प्योंग को दिखता है। और अब ये लोग कॉल करके कंग को अंदर जाने से रोकते हैं, लेकिन बचपन में भी हेवन प्योंग ने कंग को चोई के घर जाने से रोका था और उस वक्त उसकी माँ की मौत हो गई थी। लेकिन इस बार कंग नहीं रुकेगी और कंग अंदर चली जाती है जहाँ उसे जोंग का कोवर्कर मिलता है जिसको यून ने बुरी तरह घायल कर दिया था। और तभी पीछे से यून आके कंग पे हमला कर देती है और वो कंग और उस कोवर्कर को एक कमरे में ले जाती है। और यहाँ हमें सारा सच पता लगता है जब यून के अंदर की स्पिरिट सारी कहानी बताती है कि किस तरह ये लोग जोंग यानी यून के बॉयफ्रेंड को बुली किया करते थे और उसका मजाक बनाया करते थे क्योंकि उसे जॉब का पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था और वो काम को एक्सपर्ट की तरह नहीं कर पाता था। ये लोग उसे मारा पीटा करते थे, आखिर कौन विश्वास करेगा कि एक अडल्ट बुली होता है, इसीलिए उसने जॉब छोड़ दी थी। लेकिन फिर भी उसके कोवर्कर उसे मैसेज किया करते थे कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मर जाता। भले ही जोंग ने जॉब छोड़ दी थी, लेकिन वो इस स्ट्रेस को झेल नहीं पाया और उसने अपने हाथ की नस काट ली थी। मरने से पहले उसने यून से माफी मांगी थी। दोस्तों आपको याद होगा वो सीन जब यून बिल्डिंग की छत से कूद के जान देने वाली थी। ये वही वक्त था जब ईविल स्पिरिट ने यून को पोजेस किया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि यून को भी एक नहीं बल्कि दो स्पिरिट ने पोजेस किया है। ये सारी बात यून के मुंह से सुनने के बाद कंग उसे पूछती है कि क्या वही पार्किल दो है, और अब यून कहती है कि वो अब इस ऑफिस में वेट नहीं करेगी, वो अगली सुबह सबके घर जाके उन्हें मार देगी। यून कंग को मारने ही वाली होती है कि मैथ्यू और हेवन प्योंग वहाँ पहुँच जाते हैं और वो यून को भागता हुआ देखते हैं, जिसके बाद वो उसका पीछा करते हैं। इन लोगों ने यून को पकड़ लिया था। हेवन प्योंग कंग को बचाने जाता है और इन लोगों ने पार्क को भी बचा लिया था। इधर मैथ्यू यून को एक जगह लेके आया था और वो यून के हाथ पैरों को बांध देता है, जिसके बाद वो एक्सोर्सिज्म की तैयारी करता है। तभी यून के अंदर की स्पिरिट मैथ्यू के पास्ट को कुरेदने लगती है कि हेवन प्योंग की वजह से उसका भाई मरा और अब वो भी अपने भाई की तरह मरेगा। ये स्पिरिट भी वही बात दोहराती है जो योंगसो ने पोजेस्ड हालत में बोला था कि जो भी उसके करीब रहेगा वो मर जाएगा, और वो हम ही में से एक है। मैथ्यू पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तभी हम देखते हैं कि यून के हाथों से खून निकलने लगता है। ये देखने के बाद मैथ्यू उसके हाथ को खोलने की कोशिश करता है, तब यून उस पे हमला कर देती है। तभी वहाँ हेवन प्योंग और कंग आके उसे बचा लेते हैं, लेकिन मैथ्यू हेवन प्योंग और कंग को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन ये लोग मैथ्यू को अकेले छोड़ने वाले नहीं थे। और अब ये इविल स्पिरिट इन्हें याद दिलाती है कि ये तीनों एक दूसरे से नफरत करते हैं क्योंकि एक दूसरे की वजह से इन्होंने अपनी फैमिली को खो दिया था। लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं सुनते और अब शुरू होता है एक्सोर्सिज्म। तभी हम देखते हैं कि यून ऊपर देख के कहती है कि इन तीनों को मार दो, यानी वहाँ पार्क इल दो भी था। हेवन प्योंग अब पूछता है कि फादर चोई के बाद पार्क इल दो ने किसे पोजेस किया है और हेल्पिंग हैंड ऑर्गेनाइजेशन का उससे क्या कनेक्शन है। लेकिन यून कहती है कि अब ये तीनों ही आपस में एक दूसरे को मार देंगे, लेकिन मैथ्यू एक्सोर्सिज्म जारी रखता है। यून को तड़पते देख कंग को बुरा लगता है, उसे लगता है कि इस तरह यून मर जाएगी, और यून कंग से मदद मांगती है। लेकिन मैथ्यू कहता है कि वो यून की आंखों में ना देखे। यून कंग से लगातार मदद मांग रही थी। वो कहती है कि मैथ्यू ने उसका रेप किया है और अब वो उसको छुपाने के लिए एक्सोर्सिज्म कर रहा है। लेकिन हेवन प्योंग कंग से कहता है कि वो यून की बातों पर विश्वास ना करे। और अब यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब मैथ्यू यून से लगातार कहता है कि उसे इससे बाहर आना होगा अपने बच्चे के लिए। यून अपने बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट थी। हम देखते हैं कि यून के लोअर पार्ट से खून निकलने लगता है। अब हेवन प्योंग उसे उसके बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाता है और कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बचा सकी, लेकिन तुम्हें उसके बच्चे को बचाना होगा और यून को अपने बच्चे के लिए जीना होगा। मैथ्यू लगातार प्रेयर्स पढ़ रहा था, जिसके बाद हम यून को जोर से पार्किल दो चिल्लाता देखते हैं और उसके मुंह से पानी निकलने लगता है, यानी अब यून आजाद थी। यून मर्डरर तो नहीं थी, लेकिन उसे सजा जरूर होगी, लेकिन इन सब का जिम्मेदार पार्किल दो है। कंग कहती है कि अब उन्हें मिलकर पार्किल दो को पकड़ना चाहिए क्योंकि पार्किल दो मासूम लोगों को खूनी बना रहा है और उसकी वजह से लोग मर रहे हैं।
लेकिन मैथ्यू कंग से कहता है कि वो इससे दूर रहे क्योंकि ये उसके लिए बहुत खतरनाक है, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। हेवन प्योंग कंग से पास में हुए इंसिडेंट्स के लिए माफी मांगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चर्च ने मैथ्यू को एक्सॉर्सिस्ट प्रीस्ट की जगह से हटा दिया है क्योंकि यून ने लोगों को मारा और उसके एक्सॉर्सिज्म का भी कोई सबूत नहीं है। इसके बाद मैथ्यू फादर यांग से शेयरिंग हैंड्स ग्रुप के बारे में पूछता है क्योंकि जो भी पार्किल दो द्वारा पजेस्ट हुआ है उन सबके पास ही वो मैगजीन थी, लेकिन शेयरिंग हैंड्स तो चर्च का एक ग्रुप है तो वो पार्किल दो से कैसे जुड़ा हो सकता है। मैथ्यू पूछता है कि जब फादर यांग एक्सॉर्सिज्म किया करते थे तो क्या उसके बाद उन्हें आवाजें सुनाई देती थी, जिस पे फादर यांग बताते हैं कि एक्सॉर्सिस्ट प्रीस्ट जितनी बार भी एक्सॉर्सिज्म करता है वैसे वैसे उसकी आत्मा को नुकसान पहुंचने लगता है। अगर मैथ्यू को आवाजें सुनाई दे रही हैं तो उसे इसी वक्त ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए क्योंकि उस डेविल का पीछा करना जो आपसे डायरेक्टली जुड़ा हो ये बहुत खतरनाक होता है। उधर हेवेंग प्योंग युकवंग के साथ उसी जंगल में वापस जाता है जहाँ युकवंग एक रिचुअल करता है और उसे कुछ दिखता है, जिसके बाद वो जमीन खोदने लगता है और तभी ने वहाँ एक और डेड बॉडी मिलती है जो एक लड़की की थी। ये लड़की आज से 20 साल पहले खो गई थी जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी और इस लड़की का नाम था हियोंजू। हियोंजू की बॉडी फादर चोई के पास ही मिली थी और ये केस भी 20 साल पुराना है, उसी वक्त का जब फादर चोई के साथ वो हादसा हुआ था। अब ये बात हेवन प्योंग कंग को बताता है जब कंग कहती है कि वो स्कूल से भागी नहीं थी, वो एकदम से गायब हो गई थी और यही केस उसकी माँ का आखिरी केस था जो वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इधर कंग हियोंजू के बारे में पता लगा रही थी और उधर मैथ्यू शेयरिंग हैंड्स की गुत्थी सुलझा रहा था जब उसे मिन और उसके भाई की फोटो शेयरिंग हैंड की फोटोज में मिलती है और इस फोटो में होंगजो यानी वो पॉलिटिशियन भी थी। आखिर इन सब का आपस में क्या कनेक्शन है? इसके बाद ऑफिसर ली होंगजो को उस लड़की के केस के बारे में बताता है, जिसे सुन के होंगजो पागल हो जाती है। वो अपनी रेप्यूटेशन गंवाना नहीं चाहती थी और एक के बाद एक केस उसके होम टाउन में ही हो रहे थे जो लोगों की नजर में आते जा रहे थे। और बस ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन द गेस्ट सीरीज के एपिसोड 5 और 6 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन खुला है एंड डू लेट मी नो कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। आप इस सीरीज को एंजॉय करते रहिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।